कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो मैं फार्मिंग में आना चाहता था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था बचपन से ही, और कुछ अपने शहर में रह के कुछ अलग करना था क्योंकि बहुत से लोग हैं जॉब कर रहे हैं 15,000-20,000 की जॉब कर रहे हैं, लेकिन मुझे उस 15,000-20,000-50,000 की जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। मैंने अपना एक फार्मिंग का एक सोचा कि मैं फार्मिंग करूं, और फार्मिंग की नई नई टेक्नोलॉजी पे मैंने रिसर्च करना चालू किया। जब मैंने ये किया तो मुझे समझ में आया कि हमारे यूपी में हमारे प्रदेश के लोग क्यों फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न है कि लोगों को नॉलेज नहीं है और लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि सीज़न को पिक करना। हम आज की डेट में मैंने मई जून में यहाँ पे गोभी का प्लांटेशन किया था, आज मेरी गोभी कटने वाली हो चुकी है, नवंबर मेरा एंड है और नवंबर में मैं गोभी हार्वेस्ट करके ख़त्म करने वाला हूँ। अभी हमारे लोकल सिनेरियो में जो फार्मर फार्मिंग करते हैं वो अब जाके प्लांटेशन करने जा रहे हैं। तो ये मैंने कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम के थ्रू हमने ये फार्मिंग स्टार्ट की, जिससे हमें आज मैं तकरीबन 50 लाख रुपीज़ के आसपास तकरीबन 22 एकड़ खेत से 50 लाख रुपये एक साल में 4-5 महीने में निकालना। और इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं फार्मर से यही बोलूँगा कि हाँ, आप हमारे पास आइए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसके बारे में नॉलेज देता हूँ, कैसे करना है, किस समय पे कौन सा सीड यूज़ करना चाहिए, कौन सी खाद यूज़ करनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी से आपको अच्छा बेनिफिट होगा। मैं हाईटेक फार्मर्स की बात नहीं करता हूँ जो आज 50 लाख या 1 करोड़ का स्ट्रक्चर लगाकर फार्मिंग कर रहे हैं, मैं बेसिक फार्मर की बात करता हूँ जो ड्रिप इरीगेशन के साथ फार्मिंग करना चाहते हैं और अर्ली करना चाहते हैं। ये अर्ली जिसे बता रहे हैं, ये कैसे संभव है? पहले तो सीड को हम कोकोपीट ट्रे के साथ उसको जर्मिनेट करते हैं, उसमें हम ड्रिप स्प्रिंकलर फॉगर का यूज़ करते हैं नेट हाउस पॉली हाउस के अंदर, ताकि हम मैक्सिमम क्या कहते हैं जर्मिनेशन ले सकें। जब प्लांट हमारा रेडी हो जाता है तो हम बेड बनाते हैं, बेडों पे मल्चिंग बिछाते हैं, उसके बाद उस पर ड्रिप इरीगेशन भी लगाते हैं। ड्रिप इरीगेशन करने से हमें ये है कि हमारे 22 एकड़ में हमारी लागत, ये समझ लीजिए कि फ्लड इरीगेशन से ये मान के चलिए कि 90% कम हो जाती है, फर्टिगेशन हमारा 90% कंट्रोल हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी 90% कंट्रोल हो जाती है। गोभी के साथ साथ आप कौन कौन सी फसलें मतलब सब्जियाँ उगा रहे हैं? गोभी के साथ अभी हमने कैप्सिकम लगाया हुआ है, शिमला मिर्च हरी वाली, और समर स्क्वैश लगाया हुआ है जुकनी जिसे बोलते हैं, और येलो जुकनी लगाई हुई है, ग्रीन जुकनी लगाई हुई है, ग्रीन कैप्सिकम किया हुआ है, अभी हम इसी क्रॉप में जा रहे हैं। हमने यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग है वो 15 सितंबर से चालू की, जो कि ये हार्वेस्टिंग अभी लगातार चली रही है। हर रोज़ हमारे पास तकरीबन एक टाटा एस गाड़ी जो होती है फुल लोडेड हमारे यहाँ से जाती है, और इसका जो प्राइस है हमें अभी जो हमें स्टार्टिंग हुई थी पर पीस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, तो 45 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में ये अभी तक 24-25 रुपये का पर पीस 30 रुपये तक जा रहा है मार्केट के अंदर। ये जो हमारा टोटल एरिया है ये 22 एकड़ है, और 22 एकड़ में जो हमारी टोटल लागत है ये ड्रिप मिला के स्प्रिंकलर मिला के, और हमने एक सेट नेट हाउस बनाया है जिसमें हमने नर्सरी ग्रो की, इस टोटल सब कुछ मिला के हमारा टोटल जो खर्चा है वो 50 लाख के आसपास आया, और 50 लाख में लगाने के बाद जो हमारी इनकम आ रही है आज की डेट में, हमने मिड सितंबर से स्टार्ट किया है हार्वेस्टिंग को, सितंबर से लेके अभी तक हम लगातार हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो कि एक गाड़ी टाटा एस माल भर के रोज जाता है, और ये हार्वेस्टिंग जो जाएगी अभी हमारे हिसाब से नवंबर एंड तक हम पूरा हार्वेस्ट कम्प्लीट कर लेंगे। तो ये जो हमारा जो अप्रॉक्स है, जो हमने प्रेडिक्शन किया हुआ है कि ये 40-45 लाख रुपये हमें प्रॉफिट का देके जाएगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी है 90%, इसकी वजह से हमें एक राहत मिली हुई है कि हमारा जो लागत है, हम जो सोच रहे हैं कि हमारा जो ब्रेक इवन है वो 6 महीने में ही हम इसे मीट आउट कर लें। नए किसानों को मैं यही बात बोलूँगा कि हाँ, आप फार्मिंग में आइए और हाईटेक फार्मिंग में आइए, एडवांस फार्मिंग में आइए। अगर एडवांस फार्मिंग में नहीं आएंगे तो आप वही धान गेहूँ करके आप एक लिमिटेड अमाउंट है जो कि आप आज भी अर्न कर रहे हैं और आगे भी अर्न करेंगे। मैं आपको वेजिटेबल और फ्लोरिकल्चर में इसलिए आने के लिए बोलूँगा क्योंकि इसमें मार्केट अच्छा है, मार्केट को आपको पिक करना है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप डिपार्टमेंट के लोगों से मिलिए, विभाग के लोगों से मिलिए, वो आपको इसके लिए हेल्प करेंगे, और हमारे जैसे लोगों से भी आप मिल सकते हैं।